الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين मेरे दीनी भाइयों बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर पांच चीज़ें फ़र्ज़ की हैं जिसको इस्लाम के बुनियादी अहकाम कहते हैं, जिसको अरकान इस्लाम कहते हैं। पहली चीज़ ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देना, यानी अल्लाह को माबूद समझना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल समझना। इसको ज़ुबान से भी कहना है और दिल में इसका यकीन भी रखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ नमाज़ कायम करना। दूसरी चीज़ क्या है? नमाज़ कायम करना। तीसरी चीज़ रोज़ा रखना। चौथी चीज़ ज़कात देना। और पांचवी चीज़ है अल्लाह इस्तेदाद दे तो हज को जाना। ये पाँच चीज़ें हर मुसलमान के लिए लाजिम और ज़रूरी हैं। कोई आदमी जानबूझकर अगर इसको छोड़ेगा तो वो गुनाहगार होगा, और ख़ुदा न खास्ता कोई आदमी ईमान लाने के बाद, मुसलमान होने के बाद इन पांच चीज़ों में से किसी एक चीज़ का भी इनकार कर देगा तो काफिर हो जाएगा। इनकार, नहीं पढ़ता मैं नमाज, अल्लाह ने नाउज़ बिल्ला नमाज़ फ़र्ज़ नहीं की, नहीं रखता मैं रोज़ा, कर लो जो करना है, मैं जहन्नम में नाउज़ बिल्ला चले जाऊँ, इस तरह का इनकार कर दे रखने से, नहीं देता ज़कात तुमसे जो होता कर लो, नहीं दूंगा, मेरे को जहन्नम में जाना है, इस तरह के अल्फाज अगर इस्तेमाल कर लें, इनकार कर दे इन पांच चीज़ों में से किसी एक चीज़ का, तो आदमी काफिर है। अब इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं है। अगर शादीशुदा है तो बीवी भी निकाह से निकल जाएगी। उसके हाथ का ज़बीहा यानी जानवर को अगर वो ज़बह करेगा तो वो जानवर भी हलाल नहीं होगा। अरे बस समझ, आज बात करना है ज़कात के मौजू पर। ज़कात का मौजू बहुत अहम भी है और नाजुक भी है। मुसलमानों पर अल्लाह ताला ने जैसे नमाज़ फ़र्ज़ की है, रोज़ा फ़र्ज़ किया है जी, अकीदा फ़र्ज़ किया है, अल्लाह को एक मानना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मानना, हज करना, तो इसी तरीके से ज़कात भी एक फ़र्ज़ है। अब ज़कात किस पर है और कब है? तो ज़कात की अदायगी के लिए आदमी का मुसलमान होना ज़रूरी है, आकिल होना ज़रूरी है, बालिग होना, बालिग यानी ज़ी शऊर, समझदार, एक उम्र को पहुंच जाना, आज के साल में 15 साल की उम्र का मुकम्मल हो जाना। बालिग आम तौर पे 15 साल की उम्र में, शरीयत ये कहती है कि लड़का 15 साल की उम्र में बालिग हो जाता है, लड़की या 9 साल की उम्र में बालिग हो जाती है। दूसरा ये कि ज़कात किन चीज़ों पर है, किस पर है, वो तो बता दिया, मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, और साथ साथ में साहिब निसाब होना। अब साहिब निसाब किसको कहते हैं? तो जिस आदमी के पास या जिस औरत के पास चार तरह के माल हो वो साहिब निसाब हो। कितने तरह के? चार। पहला निसाब में ये है कि सोना हो,
दूसरा चांदी हो, तीसरा कैश रकम जमा हो, और चौथा है सामान तिजारत हो, माल तिजारत हो। ये चार चीज़ें जिसके पास होगी और वो चार चीज़ें इतनी मकदार में हों कि जितनी मकदार में आदमी 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकता, समझ लीजिए इसको, उतनी मकदार में हो कि उतने पैसों में 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकता हूँ। अब देखिए, अगर किसी आदमी के पास 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना है, तो आंखें बंद करके उस पर ज़कात वाजिब हो गई। 52.5 तोला, 7.5 तोला सोना, ये बहुत महंगा होता है। दूसरा ये कि किसी के पास न सोना हो, सिर्फ 52.5 तोला चांदी हो, तो भी इस पर ज़कात फ़र्ज़ हो गई। किसी के पास ज़कात सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, सामान्य तिजारत है, दुकान में इतना माल भरा हुआ है कि उतने माल से जो है तो आदमी 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकता हूँ। अरे बात समझ में, चलो सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं, दुकान में इतना सामान भी नहीं, लेकिन नकदी उसके पास जो है तो इतने पैसे है कि जिससे वो मार्केट में जाकर 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकता हूँ, तो अब इस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। अरे बात समझ में, चार चीज़ें। अब ये चार चीज़ें अगर पूरी पूरी हैं तो बहुत आसानी से बात समझ में आ जाएगी, लेकिन चारों चीज़ें थोड़ी थोड़ी हैं, चारों चीज़ें थोड़ी थोड़ी। मिसाल के तौर पर सोना जो है तो कुछ ग्राम है, 1-2 ग्राम है, चांदी जो है तो 20-30 तोला है, दुकान में सामान 10-20 हज़ार का है, और कैश जो है तो आदमी के पास 10-20 हज़ार रुपये। अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को जमा करेंगे। अब सोना 5 ग्राम है तो मार्केट में पूछो 5 ग्राम सोना कितने का रहा। मिसाल के तौर पर अभी सोने का रेट 6,000 रुपये ग्राम चल रहा है, तो 5 ग्राम सोने के 30,000 रुपये पकड़ लीजिए, 30 लिख लीजिए वहाँ। चांदी कितनी की हमारे पास, 20 तोला चांदी है, तो 20 तोला चांदी मिसाल के तौर पर 10,000 रुपये की, ठीक है, कितने हो गए, 30 हो गए। अब दुकान में सामान कितने का है, 10,000 का। मैं ये बहुत नीचे दर्जे की बात बता रहा हूँ, इतना आमतौर पर सबके पास होता है। अब देखिए, और फिर भी गफलत है, और दुकान में सामान 10,000 का, कितने हो गए, 40, और 10,000 रुपये कैश हजरत के पास मौजूद है, कितने हो गए, 50। अब ये 50,000 रुपये हमारे पास हो गए। अब मार्केट में कीमत निकालिए कि इन 50,000 रुपये में 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है या नहीं खरीदी जा सकती। अगर ओके का जवाब आ गया तो आप पर ज़कात फ़र्ज है। अब कोई बहाना नहीं, आपके पास इतनी मालियत है कि आप जिसमें जो है तो ज़कात निकाल सकते हैं, और आपको निकालना है, और अगर आप नहीं निकालेंगे तो आप गुनाहगार होंगे। क्या होंगे आप, गुनाहगार होंगे। अब देखिए, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सोना तो आमतौर पर समझ में आ जाता है कि भाई मजदूरात के पास होता है, मर्दों के पास तो नहीं होता। दूसरी चीज़ ये चांदी भी, उसका ताल्लुक भी आमतौर पर मस्तूरात से है, इल्ला माशाल्लाह किसी के पास चांदी की अंगूठी हो या कुछ हो, मर्दों के पास होती है, लेकिन बाज़ मर्द सोने की अंगूठी पहनने के भी मुश्ताक होते हैं, जैसे हमारे यहाँ रिवाज है रस्मों के अंदर सोने की अंगूठी देने का, तो वो आदमी उसका मालिक होता है। शादियों में जो है तो सोने की अंगूठी दी जाती है बाज़ मर्दों, तो उसको पहनना तो हराम है, लेकिन मालियत तो आदमी की है ना, उसका मालिक तो वही आदमी है जिसको दी गई है, तो उसका भी हिसाब उसको लगाना है। अब एक बात ये है कि ज़कात निकाली कब जाएगी, तो ज़कात जो है तो 1 साल गुजरने के बाद निकाली जाएगी, 1 साल गुजरने के बाद। अब 1 साल गुजरने का मतलब लोग ये समझते हैं कि मिसाल के तौर पर अभी जो है तो हमारे पास 30 लाख रुपये आ गए, कोई प्रॉपर्टी हमारी बिकी, तो अब ये 30 लाख जो आ जाए ना, तो अब ये 30 लाख की अगले साल ज़कात निकालेंगे हम, समझ रहे आप बात को। हालांकि मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि जिस दिन आप इतने पैसों के मालिक बन गए कि जिस दिन आप 7.5-52 तोला चांदी मार्केट से ख़रीद सकते थे, उसी दिन से आप साहिब निसाब बन गए। लोगों की आम तौर पर इसमें बहुत गफलत होती है। मिसाल के तौर पर अब आदमी का काम नहीं चल रहा था, 6-7 महीने से जो तो बैठा था, अब एकदम ऐसा ऑर्डर उसको आ गया, चलो मिस्त्री था या कोई कामकाज करने वाला था, पेंटरी का काम करने वाला था, इतना बड़ा उसको ऑर्डर आ गया कलर करने का कि वो 1 लाख रुपये मजदूरी बन गई। कितनी मजदूरी बन रही,
एक लाख रुपए की मजदूरी मिसाल के तौर पर बन रही है, या इतनी मजदूरी बन रही है कि जितनी मजदूरी में 52.5 तोला चांदी वो खरीद सकता है। तब जैसे ही वो पैसे उसके पास आ गए, वो उस दिन से अब मालिक बन गया। अब ये नहीं देखा जाएगा कि रमज़ान का महीना है या शव्वाल का महीना है। देखिए, रोज़ों के लिए रमज़ान का महीना ख़ास है, लेकिन ज़कात के लिए रमज़ान का महीना ख़ास नहीं है। ये अलग बात है कि हमारे माशरे में जो है तो रमज़ान के साथ साथ लोगों का जज्बा देने का होता है, तो आम तौर पर उस पर निकाल लेते हैं। लेकिन एक आदमी को पक्के तौर पर मालूम है कि मैं जो है तो शव्वाल की पहली तारीख को जो है तो साहिब निसाब बना, तो अब शव्वाल की अगली वो तारीख में साहिब निसाब अगर उतना पैसा उसके पास बाकी रह रहा है तो वो पैसे की ज़कात उसको निकालना ज़रूरी है, वरना वो गुनाहगार होगा। अरे बात समझ में, तो एक साल का गुजर जाना ज़रूरी है। अब साल का गुजर जाना उसको और आसानी से समझिए। बाद लोग ये समझते हैं कि हमारे पास रमज़ान की एक तारीख को 1 लाख रुपये थे, तो अब बीच में जो आने जाने वाले पैसे हैं, तो ऐसा होता है कि ये रमज़ान जैसे आज कितवा रोज़ा है, 15वां रोज़ा है, तो 15वें रोज़े में मेरे पास 1 लाख का अमाउंट कैश मौजूद है, या इतने पैसे 1 लाख मिसाल के तौर पे समझ लीजिए। अब जो है तो बीच में मेरे पास 1 रुपया भी नहीं आया, पूरा साल गुजर गया, एंड जो है तो 14वें रोज़े को मेरे पास 10 लाख का अमाउंट आ गया। ऐसी बिक्री हो गई कि 10 लाख का अमाउंट मेरे पास आ गया। तो अब ये 10 लाख कब मेरे पास आए, साल गुजरने से पहले पहले आए ना, 14वें रोज़े को आए, तो अब 15वें रोज़े को मेरा साल पूरा हो रहा। तो अब जब 15वें रोज़े को मैं कैलकुलेशन करूँगा, हिसाब करूँगा, तो अब पूरी 11 लाख, वो 1 लाख पहले के और ये 10 लाख, पूरे 11 लाख की ज़कात देना है। आ रही बात समझ में। अब लोग क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर कुछ प्रॉपर्टी बिकी और कुछ जो है तो अच्छा खेत वगैरह बिका, तब उसका हिसाब वो कैसा लगाते हैं। अभी खेत बेचने तो रमज़ान से पहले बेचे, 1 महीना ही हुआ, तब वो खेत की रकम बड़ी रहती, 1 करोड़ की रहती, 2 करोड़ की रहती, तो बोलते इस पर कैसे ज़कात देंगे, अभी तो 1 ही महीना हुआ। अरे अल्लाह के बंदो, आप तो पिछले 15वें रोज़े को साहिब निसाब थे ना, तो बीच में आमद और रफ्त कितनी भी हो गई, मिसाल के तौर पर 15वें रोज़े के बाद, पिछले रोज़े के 15वें रोज़े के बाद वो जो 1 लाख का अमाउंट था मेरे पास वो पूरा ख़त्म हो गया, ज़रूरियात में ख़र्चा हो गया, अब 1 पैसा मेरे पास नहीं बचा। और मैं ये 15वां, अगले साल का 15वां रोज़ा आने से पहले पहले रात और रात जो है 1 लाख रुपये मेरे पास आ गया, तब मैं साहिब निसाब कहलाया कि नहीं कहलाया, कि वो पैसे मेरे पास वैसी बाकी हो गए। तो अब तो भी आदमी पर जो है तो ज़कात, एक साल भर माल का अपने पास पड़े रहना ज़रूरी नहीं है, पिछले साल जो है तो आदमी का साहिब निसाब होना और तब से लेकर आज के 15वें रोज़े तक जो है तो उसके पास उतना माल या उससे ज़्यादा माल का बाकी रहना ज़रूरी है, या इतना पैसा उसके पास बाकी रहना ज़रूरी है कि जितने में वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है। बाज मरतब ऐसा भी होता है कि एक आदमी पिछले रमज़ान में 1 करोड़ होता है, होता क्या नहीं होता, लेकिन ये रमज़ान आने तक वो जो है तो बिल्कुल करोड़पति बन जाता है, 1 रुपया भी उसके पास नहीं है, तो अब उस पर जो है तो ज़कात नहीं है। तो ये मसले को भी अच्छी तरीके से समझिए। कुछ चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही तो आप बाद में पूछिए। अब अगर माशरे में देखा जाए, सच बताइए कि 1 तोला औरतों के पास है क्या नहीं, कितनी भी गरीब औरत हो तो आम तौर पर 1 तोला सोना तो होता ही है। जब निकाह का मौका होता है तो दुल्हे की तरफ से, शोहर की तरफ से उसका मेहर ही जो है तो 1 तोला सोने की शक्ल में चले जाता, या गिरामों की शक्ल में चले जाता, या कुछ ना कुछ उसकी वालिदा की तरफ से। अब बाज़ औरतें ये कहती हैं कि वो सोना तो हमारे इस्तेमाल में है, हम तो पहनते हैं उसको, और इस्तेमाल की चीज़ें जो है तो उस पर ज़कात नहीं आती। याद रखें, सोना चांदी का मसला ऐसा है, वो इस्तेमाल में हो या ना हो, औरतें उसको पहनती हो या ना पहनती हो, उस पर ज़कात है। समझ रहे हैं अब बात, औरतें उसको पहने या ना पहने, शोकेश में जो है तो बतौर दिखावे के लिए उसको रखे, तब भी उस पर ज़कात है। अब सामान्य तिजारत, सामान्य तिजारत यानी जो दुकान है, तो दुकान तो आदमी बेचने के लिए नहीं ख़रीदता, उसमें कारोबार करने के लिए उसको बनाता है, तो दुकान पर तो नहीं है, लेकिन दुकान में जितना भी सामान है उतने सामान का जो है तो आदमी को हिसाब लगाना पड़ेगा, इसलिए कि वो सामान्य तिजारत है, बेचने के लिए उसको ख़रीदा गया है। आई बात समझ में। इसी तरीके से आदमी की अपनी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी तो सामान्य तिजारत में नहीं है, माल तिजारत में नहीं है। अब एक आदमी के पास एक खुद का घर है जिसमें वो रह रहा है, मजीद उसके पास एक बंगला है, लेकिन वो बंगला ऐसा है जो उसने इस्तेमाल के लिए भी नहीं बनाया और बेचने के लिए भी नहीं बनाया,
इसको समझना अच्छे से, क्योंकि बहुत से लोगों के दो तीन मकान होते हैं, उसको इस्तेमाल के लिए भी नहीं बनाया और बेचने के लिए भी नहीं, बतौर मतलब सिर्फ ऐसे ही कि सेफ्टी के लिए कभी ज़रूरत पड़ जाए तो उसमें जाकर रह लेंगे। अब वो मकान पे ज़कात नहीं है, इसलिए कि वो बराए फरोख्त नहीं है, उसको बेचने के वास्ते आदमी ने नहीं बनाया। हाँ, अगर कोई मकान ऐसा बनाया कि जिसको जो है तो बेचना है, बनाते वक्त भी नीयत है बेचने की और उसको बेचने के लिए उसने बनाया, तब उस मकान पर आदमी पर ज़कात है। आ रही बात समझ में? कोई एक मकान ऐसा बनाया कि जिस मकान को किराए पर देना है या कोई दुकान को किराए पर देना है, तो उस मकान पर भी ज़कात नहीं है, क्योंकि उसको किराए पर देने की नीयत है। इसी तरीके से अगर कोई आदमी ने प्लाट ख़रीदा और प्लाट जो है तो बेचने की नीयत से ख़रीदा, कैसी नीयत से, ये होता है ना आमतौर पे कि इसको ख़रीदेंगे थोड़े पैसे अच्छे आएंगे तो उसको बेच देंगे। आमतौर पे प्लाट इसीलिए लोग ख़रीदते हैं, ज़खीरे के तौर पर बहुत कम लोग ख़रीदते हैं। तो अगर बेचने की नीयत से प्लाट ख़रीदा है तो उस प्लाट पर भी ज़कात आएगी। और ऐसी सिर्फ प्रॉपर्टी के तौर पर, ज़खीरे के तौर पर आदमी ने ख़रीदा, बेचने की कोई नीयत नहीं है, तो उस पर ज़कात नहीं है। फिर वो प्लाट 10 हो, 50 हो, 100 हो, 200 करोड़ के क्यों ना हो, फिर उस पर नहीं। और अगर एक ही प्लाट है और बेचने की नीयत से है तो प्लाट 50,000 का भी हुआ तो उस पर ज़कात आएगी। लोग जो है तो लोगों की मालियत को देखते, उसके पास तो करोड़ों की ज़मीन है, अरे भाई वो करोड़ों की ज़मीन है तो उसने बेचने के लिए ख़रीदा क्या, वो भी तो देखो, वो भी देखना है। अब ये होया मसला कि किन किन चीज़ों पर ज़कात आती है और कब देना है। चार मालियत पर ज़कात आती है, सोना, चांदी, कैश, चाहे जेब में हो, घर पर हो, लॉकर में हो या बैंक में हो। इसी तरीके से चौथी चीज़ जो है तो सामान तिजारत है, चाहे सामान घर पर गोदाम में रखा हुआ हो या दुकान में रखा हुआ हो या किसी के पास रखा हुआ हो, सामान अपना है बतौर तिजारत के हैं। अब उसमें सामान में बहुत सारी चीज़ें, कोई आदमी गाड़ियों का बिजनेस करता है, समझ में आया, अब गाड़ियाँ उसके पास जो है तो करोड़ों की तादाद में है पैसों की, 10 गाड़ियाँ उसके पास जो है तो 10-10 लाख की मिसाल के तौर पर, अब वो गाड़ियों पर ज़कात है, इसलिए कि बतौर फरोख्त है, तिजारत के लिए है। कोई आदमी प्लाटिंग का धंधा करता है, लीडर है और जो है तो प्लाट लेता देता है, तो उसके पास अगर प्लाट 10 करोड़ के हैं तो 10 करोड़ प्लाट पे जो है तो उसके पैसे एक साल गुजर गया हो तो ज़कात आएगी। तो ये आसानी से मैंने आपको मसला समझा दिया। अब जब आदमी साहिब निसाब हो गया, जब उसको ज़कात देना है, तो अब ज़कात किन को देना है, ये भी एक अहम मसला है। अगर ज़कात गलत जगह गई, सही मुस्तहिक तक नहीं पहुँची, तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। तो आप देखिए, ज़कात का मुस्तहिक होने के लिए पांच चीज़ों का, अगर किसी के पास पांच चीज़ें या उनमें से कोई एक चीज़ नहीं है तो फिर वो आदमी मुस्तहिक होता। अब उसको मिसाल से समझिए, चार चीज़ों तो यही, कौन सी कि जिसकी वजह से हम ज़कात के साहिब निसाब बन रहे थे, वो चार चीज़। किसी आदमी के पास न सोना है, न चांदी है, न सामान तिजारत है, यानी दुकान में कोई सामान, और न ही उसके पास कोई कैश मौजूद है। अब इसमें मज़ीद एक पांचवी चीज़ बढ़ाना है। मज़ीद कौन सी पांचवी चीज़, कि अपन ने बोले थे कि जो मकान में वो रहता तो वो मकान के अलावा एक दूसरा मकान था, बंगला उसका दूसरा घर था, तो वो घर पर क्या थी, ज़कात नहीं थी। लेकिन अगर किसी फ़कीर के पास ये पांचवी चीज़ है, किसी आदमी के पास, और वो इतनी कीमत की चीज़ है कि जो 52 तोला चांदी उस मकान के ज़रिए से अगर उसको बेचेंगे तो ख़रीदी जा सकती है, तब ये मुस्तहिक नहीं है। उसके पास कोई प्लाट ऐसा है कि जो जायद रखा हुआ है, समझ में आ रहा, आड़े वक्त के लिए बोलते ना हमारी ज़ुबान में, उसको आड़े वक्त के लिए रखा हुआ है। अब अगर इस हिसाब से मार्केट में ज़कात देने वालों को, लेने वालों को जांचा जाए, ज़कात की मुस्तहिक नहीं है, और हम जो है तो धड़ल्ले से उनको ज़कातें दे रहे हैं और मुतमईन है कि हमारी ज़कात अदा हो गई। इसलिए पिछले जुमा में भी जो मैंने ऐलान किया था कि जो लोग पेशावर फ़कीर है, पेशावर मतलब उनकी आदत है कि घर टू घर, गली टू गली मांगते फिरते हैं, तो ये मांगने वाले जो हैं तो बहुत मालदार होते हैं। तभी जो गलियों गलियों मांगने वाले आते हैं ना, तो इनके पास जो है तो प्लाट होते हैं जी, इनके पास जो है तो ज़खीरे के तौर पर जो है तो सोना होता है, ये पैसे जमा करते हैं और जो है तो मालियत जमा करते हैं। इनका हर साल का मामूल है। ज़कात का सही तरीका तो यही है कि ज़कात को इस अंदाज़ से अदा किया जाए कि सामने वाला अगर भीख मांगने वाला हो तो भीख मांगना छोड़ दे। और यहाँ तो कई सालों से उनको लोग देते आ रहे हैं, लेकिन उनका सिलसिला ख़त्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। पहले बाप मांगता था, अब वो बेटे को भी साथ में लेके आ रहा।
पहले बाप बेटे मांगते थे, अब छोटी बच्ची है तो उसको भी साथ में लेकर आ रही है। अब गलियां तकसीम है, बेटे पहले तू ये गली से जा, फिर तेरे पीछे छोटी बहन आएगी, फिर तीसरा वो खुद आएगा। तो इस तरह से अगर ज़कात हम उनके हवाले कर देंगे मेरे भाइयों, तो ये ज़कात अदा नहीं होगी। हमको तहकीक करना है कि वाकई ये मुस्तहिक है या नहीं। इसी तरीके से आखिरी एक और एक अहम मसला है कि रमज़ान ही में ज़कात निकाली जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। शरीयत का ये कानून भी समझें कि शरीयत ने रमज़ान की कैद नहीं लगाई और किसी एक महीने की कैद नहीं लगाई, बस मुतलक ये कह दिया कि इस्लामी महीने के एतबार से अपना ज़कात का जो है तो निसाब मुतय्यन कीजिए। अब उसकी वजह ये है कि सिर्फ सारे फ़कीरों को और सारे मुस्तहिकीन लोगों को जो है तो सिर्फ रमज़ान ही में ज़रूरत पेश आए, ऐसा नहीं है। कभी भी कोई भी आदमी तुम्हारे पास आ सकता है, ज़रूरतमंद जिसको यकीनन ज़रूरत है वो मुस्तहिक है, तो अब शरीयत कहती है कि उसको दे दो। इसलिए उलमा ने ये मसला भी लिखा कि कोई आदमी अगर साल गुजरने से पहले पहले अपनी ज़कात को अदा कर दे तो भी उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आज का 15वां रोज़ा है, एक आदमी का 15वें रोज़े को साल मुकम्मल हो रहा है निसाब का। अब लेकिन कोई आदमी रमज़ान से पहले आ गया, हम देख रहे हैं कि वो हॉस्पिटल में मर रहा है और अब पैसे उसके पास नहीं है और हम ये सोच रहे हैं कि अब मेरी ज़कात तो 15वें रोज़े की होती, उससे आपको मालूम है कि ये आदमी को मेरे पैसों की ज़रूरत है, ज़कात की ज़रूरत है, तो अब उसको ज़रूरत पूरी कीजिए और नियत कर लीजिए कि मैंने उसको ज़कात के पैसों में से दिया। आ रही बात समझ में? तो ये एक मसला है कि अगर ज़कात पेशगी दे दी जाए तो भी अदा हो जाएगी। दूसरा आखिरी और अहम मसला ये है कि हम जिन लोगों को ज़कात दे रहे हैं, ख़ास तौर पर गली महल्ले में आने वाले, अभी एक मुफ्ती अज़र सामने में एक वीडियो डाले कि एक हिंदू आदमी सिल्लोड़ में मांग रहा है और मुसलमानों का हुलिया है और उसको पकड़कर जब पूछा गया तो उनकी एक पूरी टीम सिल्लोड़ में घूम रही है गली गली में चौराहों पर और ज़कात फितरे सारी चीज़ें जमा करें, अस्सलाम वालेकुम, ला इलाहा इल्लल्लाह, रमज़ान का महीना चढ़ रहा, दो, ये करो, वो सारी चीज़ें उन्होंने सीख ली और हम जो है तो बगैर तहकीक के ज़कात दे रहे, तो कहाँ से हमारी ज़कात अदा होगी? इसलिए भाइयों दोस्तों इस ताल्लुक़ से जो है तो बहुत ज़िम्मेदारी की बात है कि हम ज़कात को अदा करें। मस्तूरात को ख़ास तौर पर समझाएं, अगर उनके पास एक तोला सोना है, मैंने जैसे आपको तरीका बता दिया, 5 ग्राम सोना है, कुछ चांदी है, चलेगा। असल लोग ये कहते हैं कि चांदी तो बहुत सस्ती है और सोना जो है तो बहुत महंगा है, तो फिर चांदी का निसाब क्यों सोने का क्यों नहीं लगाते? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सोने की और चांदी की कीमत बराबर बराबर थी, तकरीबन यकसा थी, लेकिन ज़माना गुजरते गुजरते जो है तो चांदी की कीमत डाउन हो गई और सोने की जो है तो बढ़ गई। अब हिकमत ये है कि हर चांदी का निसाब वाला आदमी अगर ज़कात निकालेगा तो माशरे में ज़कात लेने वाले कम होंगे और देने वाले ज़्यादा होंगे। अगर चांदी का निसाब मुतय्यन किया, सोने का निसाब मुतय्यन किया जाता माशरे में, तो ज़कात लेने वाले ज़्यादा होते और देने वाले कम होते। इसलिए हिकमतन जो है तो चांदी के निसाब को मुतय्यन किया कि आदमी चांदी के निसाब को हिसाब लगाते हुए अपनी ज़कात को अदा करे। उम्मीद के इंशाल्लाह मैंने मोटे मोटे अंदाज में बहुत बारीक मसाइल से समझाने की कोशिश किया, समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी के समझ में ना आए हों तो रब्ता करके मालूमात दे सकते हैं। रही बात ये कि जिस आदमी के पास इतना पैसा हो कि जितना पैसे में 52.5 तोला चांदी वो ख़रीद सकता है, अब लेकिन उस पर कर्ज़ा है, अब कर्ज़ा इतना है कि उसमें से जो है तो पूरे पैसे ख़त्म हो जा रहे, तो फिर उस पर ज़कात नहीं है। बहुत से लोग जो है तो BC डालते, अब BC के अंदर ऐसा होता है कि 1 लाख रुपये की BC है, कितने लाख की, 1 लाख की BC, तो दो शक्लें होती है कि हमने BC में पैसे भरे हुए, 5 हफ्ते, हम 10 हफ्तों की BC है मिसाल के तौर पे 10,000 की, तो 5 हफ्ते हमने 10,000 के भर दिए, अब वो 50,000 रुपये हमारा अमाउंट है क्या नहीं है, अब वो अमाउंट तो हमारा ही है ना, तो वो अमाउंट पे जो है तो ज़कात आएगी। आ रही बात समझ में? अब जो है तो हमने BC पहले हफ्ते में हमारी उठ गई, वो 1 लाख की BC थी, अब तुम्हारे पास सिर्फ 50,000 रुपये हैं, कैश है लेकिन कितने हैं, 85 है, अब तुम देख रहे हो ये 50,000 यार मेरे को तो कर्ज़ा देना है BC का, तो वो अदा कर देंगे तो आपके पास 1 रुपया भी नहीं बचेगा। तो अगर BC का कर्ज़ा आप पर है और आपकी मालियत उसकी वजह से ख़त्म हो जा रही है तो ज़कात नहीं है, लेकिन आपका अमाउंट BC में जमा है तो उस पर ज़कात है। और भी बहुत सारी शक्लें हैं, वक्त हो गया, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ज़कात सही तौर पर उलमा से जान जान कर अदा करने की तौफीक अता फरमाएँ। जिन हज़रात की सुन्नत बाकी हो सुन्नत अदा करें।